अपने पार्टनर के साथ एक नया प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुका हूँ। आज का वीडियो कम्प्लीटली अनप्लान्ड है, जस्ट हम बाइक निकाले और एक शॉर्ट रोड ट्रिप के लिए निकल गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। Hey guys, welcome to today's vlog. I hope you guys are doing fine. आज Saturday, तो ऐसे ही एक short ride के लिए निकले थे। Location unknown, पता नहीं था हमें कहाँ जाना है, बस निकल गए थे सुबह 6:30 के आसपास। तो यहाँ पे हम नेरल साइड पहुँचे, एक जो आपको एक व्यू दिखाऊंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करते ये नेरल के आसपास ही है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, बट यस रास्ते में जाते थे हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो पेब फोर्ट, जो PEB प्रोनाउंसिएशन होगा पेब फोर्ट। तो ये एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पर है, जस्ट गूगल के थ्रू जा रहे यहाँ से ऑलमोस्ट और 10 किलोमीटर है, बट हमें यहाँ पर ये एक अच्छा सा वाटरफॉल या तो रिवर काइंड ऑफ मिल गया है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सडनली हमें ऑन द वे दिखा, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर जाते हैं वापस ऊपर। तो ये हिडन प्लेस हमने अभी डिस्कवर किया, तो मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको आने को मन करे तो आप आ जाना, ये बहुत ही नियर बाय है। तो आई थिंक ये रेनी सीजन में थोड़ा हैपनिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल ये सब रहेंगे। अगर आप ये सब प्लेस पे आ रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, यहाँ पे द मोमेंट आपके पैर या तो शूज़ गीले हो जाएंगे तो स्लिप होने के चांसेस बहुत रहता है। तो अभी तो रॉक्स पूरे सूखे, बट थोड़ा सा भी उस पर रॉक्स पानी जाते हैं तो वो काई वापस से गीले हो जाते हैं, तो अब स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो बी केयरफुल, आराम से आओ, आराम से जाओ। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा पेब फोर्ट जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर है। तो चलिए वहाँ जाके मिलते हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, यहाँ से 500 मीटर दिखा रहा है गूगल मैप में, रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। 500-700 मीटर जब रहेगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग रहेगा। फोर्ट कुठे आहे? फोर्ट किल्ला ये फ्लैग को देख के एक मोटिवेशन मिलता है, शिवाजी को रिप्रेजेंट करते हैं, छत्रपति शिवाजी। एक छोटा सा करेक्शन रहेगा, मैंने आपको कहा था वो स्ट्रेट जाना है, वहाँ पे नहीं जाना है आपको, आपको लेफ़्ट लेके आपको यहाँ आना है। तो ये गांव के थ्रू वो रास्ता आता है फोर्ट का, पेब फोर्ट। तो चलिए चलते हैं यहाँ के थ्रू, वो वहाँ पे झोपड़ी है, वहाँ के थ्रू ऊपर जाना है ये रास्ते पकड़ के। और ये आप रास्ता देख ही रहे हो, इतना नैरो रास्ता है। तो आई एम नॉट श्योर हम सही रास्ते पर है कि नहीं है, पर थोड़ा सा ट्राई करेंगे आगे तक, अगर नहीं लगा सेफ तो पीछे आ जाएंगे। तो अभी मैं कैमरा में देख के बात नहीं करूँगा, क्योंकि इट इज़ रिस्की। टू बी ऑनेस्ट हमें पता नहीं एग्जैक्टली हम कहाँ पहुँचे हैं, वो गांव से तो उन्होंने कहा कि ये आपको रास्ता पकड़ के जाना है। तो अभी हम जंगल के बीच में ऐसा पूरा फील हो रहा है, कोई गाइड नहीं है, कोई नहीं है, बट यस अगर थोड़ा सा भी अनसेफ लगा तो वापस हम पीछे बैकआउट कर देंगे, प्लान कैंसिल।
वो आंटी ने कहा था, वो जो सामने दिख रहा है झोपड़ा, वो झोपड़ा था। तो यहाँ पे पहुँच तो गए, अभी यही रास्ता पकड़े जाना है। ये पूरा देखो कैसा ग्रीन ग्रीन है। हम वो विलेज के थ्रू यहाँ पे पैप फोर्ड के लिए निकले थे, तो रास्ता हमें थोड़ा सा अनसेफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम दो ही है, दो हमें एक दो बंदे लोग मिले वहाँ पे जो ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं, बट स्टिल हमें अनसेफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बैक साइड में पूरा पूरा रास्ता देखो, ये सब पतले पतले रास्ते, आपको वीडियो में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा बट रास्ता थोड़ा पतला पतला है, और तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पे बढ़ जा रहा है, क्योंकि हम दो ही है एंड यस मैं अपने वाइफ के साथ हूँ यहाँ पे, तो इट इज़ थोड़ा रिस्की है। तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क एनी फर्दर ऊपर जाने का, मुझे पता भी नहीं आगे रास्ता, समझ भी नहीं आ, सिर्फ सेम रास्ता आगे आगे जा रहा है। तो फाइनली वी डिसाइड टू एबॉर्ट द मिशन एबॉर्ट। बट टू बी ऑनेस्ट, एक साल घर पे बैठ के ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम किया, तो इतना बॉडी मूवमेंट हुआ नहीं। एटलीस्ट हम ऑफिस जाते थे, स्टेयरकेस चढ़ते थे, कुछ ना कुछ तो करते थे, एक्टिविटी होता था, पर डेफिनेटली 50% एक्टिविटी कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर से। तो इससे अपने बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, अपना स्टैमिना डेफिनेटली कम हो गया है, बिकॉज अभी जो पहाड़ ऐसे क्लाइंब करना रहता है तो वहाँ पे हालत लिटरली ख़राब होती है। पहले तो फटाफट चढ़ जाते थे, अभी वो नहीं रहा। तो अभी हम अच्छा सा एक प्लेस देखेंगे एंड वहाँ पे बैठेंगे। हमने घर से कुछ खाने को लाया था, तो वो वहाँ पे खा के टाइम स्पेंड करके वापस से बैक टू थाने। इफ़ यू सी, ये एकदम पतला सा रास्ता है, यहाँ पे हमें यहाँ से हमें जाना है और यहाँ से आना है। ये जो आपको दिख रहा है सेम आगे ऐसे ही डेंस जंगल काइंड ऑफ दिख रहा था, मे बी ड्यू टू रेन पूरा जंगल हो गया है ज़्यादा, बट ये सेम आगे भी ऐसे ही पैचेस है, पतले पतले रास्ते। But you can enjoy the atmosphere over here. बहुत सही मौसम है, इतने टाइम से घर पे बैठे थे, आज मौका मिला बाहर निकलने के लिए। I wish, वो जो पीछे दिख रहा है आसपास, यहाँ पे गांव बस्ती है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा घर होता तो डेफिनेटली यहाँ पे आके एक हफ्ता दो हफ्ता एक महीना टाइम स्पेंड कर सकते थे हम। जो बेसिकली मेन महाराष्ट्र ने उनका गाँव जो आसपास महाराष्ट्र में ही है, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, उनका गाँव नज़दीक होता है, तो एक जस्ट फोर व्हीलर हुआ, गाड़ी निकालो अपने गांव जाओ और अपने गांव में आप इंजॉय कर सकते हो। तो ये एक अच्छा है अगर आपका गांव आसपास ही है विद इन महाराष्ट्र, बट जो नॉर्थ साइड के होते एक सेकेंड, बट जो नॉर्थ साइड के होते हैं जिनका अदर स्टेट में गांव होता है, तो उनके लिए तो 12 घंटे की तो ऑलमोस्ट ट्रेन से जाना ही है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनको यहाँ पे रहना जहाँ पे वो रहते हैं। सो 45 मिनट उतरने के बाद हमें फाइनली एक सुकून सा प्लेस मिल गया है ये, तो यहाँ पे हम बैठेंगे, कुछ खाएंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन यहाँ से निकलेंगे। और टाइमिंग आपको मैं यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, वाटरफॉल कैसा आ रहा है यहाँ पे, वाटरफॉल ही कह सकते, रिवर काइंड ऑफ है। यहाँ पे कोई नहीं है, हम बस अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सुकून मिल रहा है। यहाँ पे एक पानी का आवाज़ आ रहा है, काइंड ऑफ रिवर फ्लो हो रहा है, और ये दूसरा प्लेस है, जो पहले आपको दिखा था वो दूसरा था, वो मेन रोड साइड था और ये दूसरा प्लेस है। तो सामान वो सब वहाँ पे रख दिया है, एडजस्ट अभी यहाँ पे बैठना है थोड़ा सा, हाफ एन आवर एक घंटा बैठेंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ से निकल जाएंगे। वी वर एक्सपेक्टिंग रेन, बारिश का वेट कर रहे थे, तो अभी थोड़ा सा बूंदे गिर रहे बारिश की, आई होप कि थोड़ा तो बारिश मिल जाए यार, बस थोड़ा सा बारिश आ जाए, यहाँ पे भीगेंगे एंड देन वी गो। टू बी ऑनेस्ट, नेचर को बेड बना के सो गया हूँ और सामने बादल है और यहाँ पे पानी की आवाज़ आ रही है, ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है और एक अच्छा लग रहा है, जस्ट लेजी वाला फीलिंग आता है ना, आपको कुछ नहीं करना है,
और आपको बस एंजॉय करना है नेचर को। सो गाइस वी आर डन, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। कुछ खाने को मिला तो ठीक है, नहीं तो घर जाके खाना खाएंगे, क्योंकि अभी कुछ 11:30 के आसपास बजा है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पे विलेज वाले से इंटरेक्ट करने का, देखते हैं यहाँ का उनका क्या फीडबैक है। तो मिलते आगे।